हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं गोवा का फेमस रेस मागोस फोर्ट देखने। तो चलिए, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे लोकेशन पर। फ्रेंड्स, रेस मागोस फोर्ट नॉर्थ गोवा में है। इसकी लोकेशन को अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो बिल्कुल ठीक बताएगा। वास्को द गामा रेलवे स्टेशन से रेस मागोस फोर्ट लगभग 34 किलोमीटर है। डाबोलीम एयरपोर्ट से रेस मागोस फोर्ट लगभग 33 किलोमीटर है। मड़गांव रेलवे स्टेशन से रेस मागोस फोर्ट लगभग 41 किलोमीटर है। पंजीम बस स्टैंड से रेस मागोस फोर्ट लगभग 6.5 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अब हम रेस मागोस फोर्ट पहुंच गए हैं और ये सामने टिकट काउंटर है और आप यहाँ पर अपनी स्कूटी बाइक को खड़ा कर सकते हैं। अगर आपको कार खड़ी करनी है तो आपको बाहर रोड के ऊपर खड़ी करनी पड़ेगी। और इसकी अपोजिट में ये कुछ फूड स्टॉल हैं जहाँ से आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा। और किले के बिल्कुल जस्ट पहले ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है, आप ये भी देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेने के बाद आप फोर्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर इसका टिकट चार्ज है 50 रुपये। आप इस रास्ते से जाएंगे फोर्ट में, ये देखिए ये इसका टिकट है। और आपको ऊपर जाने के लिए कुछ इस तरह का रास्ता मिलेगा। और ये जो आप सामने ब्यूटीफुल चर्च देख रहे हैं, ये वही चर्च है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। और यहाँ से खड़े होकर ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये किला बीजापुर के राजा आदिल शाह ने 1493 में बनवाया था। उस समय इस किले का इस्तेमाल सेना चौकी के रूप में होता था, लेकिन जब पुर्तगीज गोवा आए, उन्होंने गोवा को जीत लिया और गोवा पर उनका राज हुआ, तब वो इस किले का इस्तेमाल दुश्मनों के ऊपर नज़र रखने के लिए करते थे और तभी उन्होंने इस चर्च को भी यहाँ पर बनवाया था। ये किले का एंट्रेंस गेट है, तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं ये किला अंदर से कैसा है। फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम है, धूप बहुत तेज़ निकली है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हालत ख़राब हो रही है, इसलिए सड़क से यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा है कि हम आधे घंटे से चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ सड़क से 5 मिनट लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। आप चाहे तो यहाँ ऊपर आकर थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं पेड़ों की छांव में। और इसके ही सामने है बिल्कुल गेट है जहाँ से आप किले के अंदर जाएंगे। इस किले की चार दीवारी के आसपास तक आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड पहले आपकी टिकट चेक करेगा, उसके बाद ही आपको अंदर जाने देगा। यहाँ से अंदर करते ही सबसे पहले हमें सामने ये हिस्सा दिखाई देता है, तो चलिए पहले इसके अंदर ही चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अंदर आएंगे तो आपको इस तरह से कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बड़ी बड़ी पिक्चर्स दिखाई देंगी। और इस किले का लकड़ी का एक मॉडल भी बना के इन्होंने यहाँ पर रखा है।
ये रूम देखने के बाद अब मैं ऊपर जाकर थोड़ा ओपन एरिया देखूंगा। यहाँ पर पुराने ज़माने की तोपें रखी हुई हैं। और यहाँ से अंजिम सिटी का बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देता है। चलिए अब वापस नीचे चलते हैं और जो वो आपको सेंटर में रूम दिखाई दे रहा है पहले हम वो देखेंगे। फ्रेंड्स, ये रूम भी हिस्टोरिकल पिक्चर्स और पोस्टर्स के साथ भरा हुआ है। तो चलिए ये रूम देखने के बाद यहाँ से बाहर आके इसकी बैक साइड में चलकर देखते हैं। यहाँ पर लोहे की गोल वाली सीढ़ियाँ हैं, तो चलिए ऊपर चलकर देखते हैं कैसा व्यू है। इस हिस्से में भी तोपें रखी हुई हैं। और यहाँ से बहुत ही शानदार समुंदर का व्यू दिखाई देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर व्यू है। और यहाँ से निकलने के बाद अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो वहीं पर ही पहुँच जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में तोपें रखी हुई दिखाई थी। और यहीं से ये रास्ता वो आखिरी वाले रूम में जाता है जो हमने अभी तक नहीं देखा, तो चलिए उसके अंदर चलकर देखते हैं। फ्रेंड्स, ये रूम भी हिस्टोरिकल पिक्चर्स और पोस्टर्स के साथ भरा हुआ है। फ्रेंड्स, ये किला काफ़ी छोटा है और इस किले को मेरे हिसाब से तो ठीक से मेंटेन भी नहीं किया है, क्योंकि बहुत जगह पर आपने नोटिस किया होगा कि घास ही घास दिखाई दे रही है और कुछ दीवारों पे सीपेज भी है। ये देखिए, आपको सामने सीपेज दिखाई देगी। मेरे हिसाब से ये किला उतना मेंटेन नहीं है जितना मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि इस किले को देखने के लिए टिकट लगती है और यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ फॉरेनर टूरिस्ट भी आते हैं। और मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप इस किले के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हैं तो ही यहाँ पर आएं, कहीं दूर से स्पेशल इस किले को देखने के लिए ना आएं। और इसी रूम में ये एक डेथ होल भी है। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के ऊपर गर्म तेल फेंकने के लिए किया जाता था। और इसी रूम से बाहर जाने के लिए एक रास्ता भी है जहाँ पर आप व्यू देखते देखते बाहर जा सकते हैं। यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है, तो चलिए हम बाहर जाते जाते
ये वाला एरिया भी देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी पंजिम सिटी और समुद्र का बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देता है। यहाँ पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, तो चलिए नीचे चलकर देखते हैं क्या है वहाँ पर। अब हमने पूरा किला देख लिया है, तो चलिए इस रास्ते से हम बाहर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे, और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको गोवा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।